हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है आपकी बुक का लेसन नंबर 6, राजनीतिक दल। ठीक है, इस लेसन में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो विचार करेंगे वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, राजनीतिक दल यानी कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या है, राजनीतिक दल के अंगों के बारे में, फिर जानेंगे हम राजनीतिक दलों के कार्य क्या है, शासक दल किसे कहते हैं, विरोधी दल क्या है, एक दलीय बहुदलीय या द्विदलीय प्रणाली किसे कहते हैं, चुनाव आयोग या हमें राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, और भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन से हैं, क्षेत्रीय दल कौन से हैं, दल बदल की नीति किसे कहते हैं, या फिर राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, ये हैं इस लेसन के महत्वपूर्ण। आइए सबसे पहले जानते हैं हम राजनीतिक दलों के बारे में कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं। जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं उनमें जो राजनीतिक दलों का स्वरूप है वो बिल्कुल अलग दिखाई देता है। ठीक है, राजनीतिक दल का अर्थ क्या है, राजनीतिक दल का अर्थ है एक ही विचारधारा से प्रतिबद्ध लोगों का संगठित समूह जो चुनाव लड़ता है और क्या करता है, चुनाव लड़के सरकार की राजनीतिक सत्ता हासिल करने का के लिए काम करते हैं, राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। समझ में आया ना कि ये एक ही विचारधारा से प्रभावित लोगों का समूह होता है जो चुनाव लड़कर सत्ता हासिल करने के लिए कार्य करता है। इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, इनमें नेता हैं, सक्रिय लोग हैं और उसके अनुयायी या समर्थक हैं। समझ गए ना आप, नेता उस दल के नेता और सक्रिय यानी कि उनकी नीतियों को लोगों को बताने वाले उसके सदस्य, सक्रिय सदस्य हो गए। ठीक है, और अनुयायी या समर्थक यानी कि उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर उनका अनुसरण करने वाले लोग या अनुयायी कहलाएंगे या उनके समर्थक कहलाएंगे, यानी कि राजनीतिक दल के हम कौन हुए, नेता, सक्रिय लोग, अनुयायी या समर्थक। तो फिर से देखिए, राजनीतिक दल का अर्थ है एक विचारधारा से प्रतिबद्ध लोगों का संगठित समूह जो चुनाव लड़ने तथा सरकार में सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। इसके जो मुख्य अंग हैं वो है नेता, सक्रिय लोग, अनुयायी या समर्थक। अब जानते हैं कि पहला आता है राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, यानी कि चुनाव लड़ना, जो ये दल होते हैं ये चुनाव लड़ते हैं, इनके जो उम्मीदवारों का चयन किया जाता है अधिकांश देशों में, अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो दल के नेता होते हैं वो ही इन उम्मीदवारों को चुनते हैं। अमेरिका जैसे देश में भी यही है, जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया वहीं अक्सर जब इलेक्शन होते हैं तो राजनीतिक दल के नेता ही उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं, यानी कि चयन करते हैं कि कौन सा उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा होगा। ठीक है, दूसरा है नीति और कार्यक्रमों को जनता के सामने रखना। ये दल अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों के सामने रखते हैं, लोगों मतदाता के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब ये मतदाता पर डिपेंड करता है कि वो किस दल की नीतियों और कार्यक्रमों को पसंद करता है या उसे वो अच्छी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है सरकार बनाना और उसका कानून निर्माण
विपक्षी दल जो होते हैं वो सरकार के खिलाफ आम जनता को विलंबित करते हैं। समझ में आ गया ना कि जो इलेक्शन हार जाते हैं वो विरोधी दल की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है जनमत निर्माण करना। जनमत निर्माण करना, जनमत निर्माण में जो ये राजनीतिक दल होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं और विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता होते हैं वो जो पूरे देश में बिखरे होते हैं और समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह का भी काम करते रहते हैं। इस तरह से ये जनमत का निर्माण करते हैं। आगे समझ में, नेक्स्ट है शासक दल किसे कहते हैं बच्चों? इलेक्शन में, ठीक है, इलेक्शन में जो दल जीत जाता है वो सरकार का गठन करता है और वो ही क्या कहलाता है, शासक दल कहलाता है। नेक्स्ट है विरोधी दल। चुनाव में जब किसी एक दल को, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो वो शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाता है। समझ में आ गया है इसके बारे में? राजनीतिक दलों के कार्य क्या है? ये चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, और नीति और अपने दल की नीति और कार्यक्रमों को लोगों के सामने रखते हैं, कानून निर्माण में सहायक होते हैं और सरकार जो दल जीत जाता है वो सरकार बनाकर कानून का निर्माण करते हैं और उसका संचालन करते हैं, जो हार जाते हैं विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं, ठीक है, और जनमत का निर्माण करते हैं। शासक दल किसे कहते हैं? चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने वाला दल जो सरकार का गठन करता है। और विरोधी पक्ष कौन सा हो गया? विरोधी दल जिसे चुनाव में बहुमत नहीं मिलता वो सत्तारूढ़ शासक दल के विरोध में विपक्ष की भूमिका निभाता है। ठीक है, आज का टॉपिक